गुड मॉर्निंग क्लास 11th केमिस्ट्री। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है अनिश्चितता का सिद्धांत का महत्व, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व क्या है। ठीक है, तो दिया है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता नियम का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि यह नियम निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ, ठीक है, के अस्तित्व का खंडन करता है। किसी पिंड का प्रक्षेप पथ भिन्न भिन्न कोणों पर उसकी स्थिति एवं वेग से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब हमको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब तक हम लोग यहाँ पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के इधर आ जाएगा। मतलब इसकी कोई स्थिति एक जगह नहीं रहेगी कि हाँ ये यहाँ पर है। ठीक है, कि कहीं भी ऐसी कोई समान स्थिति नहीं है। अब देख लेते हैं, यदि हमें किसी विशेष क्षण पर एक पिंड की स्थिति एवं वेग तथा उस पर उस क्षण कार्य कर रहे बलों की जानकारी हो तो यह बता सकते हैं कि बाद के किसी समय में पिंड कहाँ पर होगा। जब हमें उसकी स्थिति और वेग ज्ञात ही नहीं रहेगा तो हम नहीं बता सकते हैं। अगर जब ज्ञात हो तब हम लोग बता सकते हैं कि वो पिंड कहाँ पर है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी पिंड की स्थिति एवं वेग से उसके प्रक्षेप पथ निश्चित हो जाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन जैसे किसी अपरमाणविक पिंड के लिए एक साथ उसकी स्थिति एवं वेग का निर्धारण किसी क्षण यथार्थता की किसी वांछित हद तक संभव नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेप पथ के बारे में बात करना संभव नहीं है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए है। स्थूल पिंडों के लिए यह प्रभाव अति न्यून होता है। इस उदाहरण से समझा जा सकता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, यदि 1 मिलीग्राम यानी कि 10^-6 kg द्रव्यमान वाले पिंड पर अनिश्चितता सिद्धांत लागू किया जाए तो क्या होता है। ठीक है, 1 मिलीग्राम बराबर क्या होता है, 10^-6। ठीक है, देखते हैं, डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स बराबर h/4π.m। ठीक है, 4π × m, डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स, एच का वैल्यू होता है 6.626 × 10^-34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, इसको जूल सेकेंड पढ़ते हैं। 4 × π का वैल्यू 3.1416 × 10^-6 kg बराबर आ जाएगा हमारा 10^-28 m² सेकेंड का पावर माइनस वन। आप देखते हैं, प्राप्त डेल्टा भी डेल्टा एक्स का मान अत्यधिक कम एवं नगण्य है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मिलीग्राम आकार के पिंडों यानी कि उससे बड़े पिंडों के लिए विचार करते समय संबंध अनिश्चितता किसी वास्तविक परिणाम की नहीं होती। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन के समान सूक्ष्म पिंड के लिए प्राप्त मान काफ़ी होता है। ऐसी अनिश्चितताएँ वास्तविक परिणाम की होती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, 1 9.11×10^-31 kg द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स बराबर h/4π(n)·m। ठीक है, तो 6 h का वैल्यू 6.626 × 10^-34 जूल सेकेंड, और 4 है पाई का वैल्यू है। ठीक है, और m का वैल्यू दिया है, यहाँ पर उसको रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 10^-4 m² sec-1। इसका अभिप्राय यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति 10^-8 मीटर की अनिश्चितता तक जानने का प्रयास कोई करता है तो वेग में अनिश्चितता डेल्टा भी का मान होगा 10^-4 m²(10^-8 m)·10^4 ms-1। ठीक है, अब देखते हैं आगे, यह अनिश्चितता इतनी अधिक है कि इलेक्ट्रॉन की को बोर कक्षाओं में गति करता हुआ मनाने की चिरसम्मत अवधारणा को अप्रमाणित साबित कर सकते हैं। अतः इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति एक संवेग के परिशुद्ध कथन को प्रायिकता कथन से प्रतिस्थापित करना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन दिए गए स्थान एवं संवेग पर रखता है। ऐसा ही परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में होता है। ठीक है, अब इसके आगे बोर मॉडल की विफलता के कारण पढ़ना है हमको।
कुछ सवाल भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटॉन का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या है? हल देख लेते हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच बटा 4 पाई और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा सॉरी एम डेल्टा भी बराबर एच बटा 4 पाई। डेल्टा भी इजकल टू होता है एच बाई डेल्टा सॉरी 4 पाई डॉट इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5.79 × 10⁶ मीटर सेकेंड -1। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।